रखे हुए तो हम थे ही, राधे से नहीं, उनके परिवार से कहीं ना कहीं। राधे को मैंने समझाया और मैं घर छोड़ के जा रही थी, उसे बहुत मनाने की कोशिश की, बट मेरे लिए बस बहुत हो गया था, तो इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही थी। बट राधे ने सारी कोशिश उसकी नाकामयाब रही, तो इसलिए वो लास्ट उसका जो ट्राई था वो था, उसके दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आया तो वो छत से कूद गया और बहुत सारी चोटें आई उसको। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा लगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो बुरा इंसान तो है नहीं। तो और मेरे अंदर का डॉक्टर भी जाग गया कि नहीं, ऐसा ऐसे छोड़ के मैं नहीं जा सकती, तो देखभाल करनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं उसकी अच्छे से प्यार से देखभाल कर रही हूँ और वो खुश है। हाँ, कहीं ना कहीं उसका ये प्लान था कि चलो चोट लगे कुछ भी हो जाए, कृष्णा जी रुक जाना चाहिए, उसके चोट को कुछ पड़ी नहीं है। वैसे इस बात से खुश है कि कृष्णा जी रुक गई है, वो मेरे पास बैठी है, मुझे फ्रूट्स खिला रही है एंड ऑल, तो वो बहुत खुश है। और मुझे पता नहीं है कि वो मेरी वजह से कूदे, मुझे लग रहा था वो स्लिप हो गए होंगे, गिर गए होंगे, तो पता नहीं जब सच्चाई का पता चलेगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। नहीं, राधे के लिए कृष्णा का प्यार तो नहीं है, ऑब्वियसली एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही कि वो गिर गए और ऐसी एक सिचुएशन होगी, उसको इतनी चोटें आया, इसमें मैं अपना ईगो देख के छोड़ के चली जाऊँगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है थोड़ी चोटें लगी है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी पता है। तो दोनों चीज़ें एक्चुअली है, तो उस कंसर्न से मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। थैंक यू।